खबर बरेली खेल जगत से। जैनुल अंसारी ने जड़ा ताबड़तोड़ नाबाद दोहरा शतक। उत्तर प्रदेश को चैंपियन बनवाने में जैनुल ने निभाई थी अहम भूमिका। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से है। बरेली जनपद के नवाबगंज वासी युवा होनहार क्रिकेटर जैनुल अंसारी एक बार फिर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते सुर्खियों में है। बरेली में खेले गए मैच में जैनुल अंसारी ने मात्र 100 गेंदों में ताबड़तोड़ नाबाद दोहरा शतक जड़ डाला। जैनुल की इस उपलब्धि पर नगर वासियों फूले नहीं समा रहे हैं तो उनके कोच महफूज खान ने जैनुल को उसकी शानदार बल्लेबाजी के लिए बधाई दी है। लॉकडाउन के बाद आज बरेली के अल्मा मातेर स्कूल में खलीफा क्रिकेट अकेडमी और अल्मा मातेर क्रिकेट टीमों के बीच खेले गया मैच बारिश के चलते पूरा नहीं हो सका, लेकिन यह मैच जैनुल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए खास बन गया। धन्यवाद। और आज जिस प्रकार जैनुल ने बल्लेबाजी की है वो देखते ही बनता था, और कोच के रूप में जैसे कि आज बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि 100 बनाना एक बड़ी उपलब्धि होती है हर खिलाड़ी के लिए, लेकिन 100 दोहरा शतक, जैसे कि भारतीय टीम में भी हम लोग उंगलियों पे गिनते हैं कि हमारे सचिन कितने दोहरे शतक हैं, राहुल द्रविड़ ने कितने 100 बनाए हुए हैं, तो एक छोटा बच्चा जो 17 नेशनल खेल के अभी आया है पिछले दिनों, और यूपी की टीम के लिए खेलते हुए फाइनल मैच में भी उसने स्कोर किया था, और यही चीज़ देखी जाती है कि कभी आप क्रिकेट अगर खेल जाते हो अच्छे लेवल पे, जैसे कि नेशनल उसने खेला और वहाँ रन बनाया, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी बढ़ गया और उससे उसे काफ़ी हेल्प मिल रही है बैटिंग में, और ये देखने में आता है कि डे बाई डे वो अपने खेल को अच्छा करता जा रहा है। हम ऐसी आशा करते हैं कि वो इससे और अच्छा खेले, अभी और बहुत सारे 100 बनाएं, 100 बनाएं, और जिस प्रकार लास्ट के 3 महीने बच्चे अपने घर रहे और हमने उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग की है, घर में ही उनको उनका जो ड्रिल है वो कराया गया है, उनकी जो फिटनेस है उस पर काम किया गया है, और बच्चों ने काफ़ी गैप तो हो गया था लेकिन ये एक बड़ी बात है, इतने गैप के बाद में भी आज पहला मैच हुआ एकेडमी में और वहाँ पर जैनुल के बल्ले से 100 आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि इसे कंटिन्यू करें और आगे हम तैयारी कर रहे हैं कि वो किस प्रकार और तकनीकी रूप से सक्षम हो जाएं, अपनी बैटिंग को और निखारें अभी, क्योंकि 17 खेलने के बाद में अब 19 पे नज़र है उनकी, तो देखते हैं क्या होता है, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे खेलते जाएं और आगे जाएं, अपने शहर का नाम करें, अपने देश का नाम करें। शुभकामनाएं उनको। धन्यवाद। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।